सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। हिंसा, हत्या, गोलियां, खून, आर्मी, भिंडरांवाले, ऑपरेशन ब्लू स्टार, टेररिज्म, और हत्या और खून और टेररिज्म। एक जमाना ऐसा था कि पंजाब में सब कुछ ठीक ठाक ही था। देश का सबसे अमीर राज्य था, सबसे डेवलप्ड स्टेट था। एक जमाना ऐसा था जब कहते थे कि पंजाब की खेतों में सोना उगलता है, और अगर ऐसा था तो क्यों पंजाब के नौजवानों ने हथियार उठाए? क्यों हिंदुस्तान से अलग पंजाब में एक देश की आवाज उठी, खालिस्तान की आवाज उठी? और क्यों टेररिज्म में हजारों हजारों लोगों की मौत हुई, हत्या हुई? सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब में ये सब हिंसा को रोका जा सकता था? लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि क्या इस टेररिज्म को, इस हिंसा को सरकार ने, राजनीति ने खुद न्योता दिया था? पंजाब के सबसे बुरे दौर की कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी की हार से। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त हार मिली। पंजाब विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस को वहां भी सत्ता से हटना पड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनी, और तभी कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। नाम था जरनैल सिंह भिंडरांवाले। ये कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दमदमी टकसाल का इसको हेड बनाया गया था। और दमदमी टकसाल की अहमियत यह है कि गुरु गोविंद सिंह ने पहली बार या दूसरी बार जब गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल किया था, वो इस टकसाल में किया था। अकाली पार्टी जो है वो हमेशा, चाहे वो गुरुद्वारा इलेक्शन हो तो तब कांग्रेस को हार जाते थे, या कोई भी हो, क्योंकि सीट तो नहीं जीतते थे, आम तौर पर कुछ जीतते थे, तो चाहते थे ये जो अकाली एक सिखों की फोर्स बन रही है जो कि उनके हिसाब से कम्युनल फोर्स है, इसको डिफीट किया जाए। तो अब डिफीट करने का वर्दा उसने, संजय ने कहा कि इनके बीच का कोई आदमी निकालो जो अंदर जाके सबराज करेगा या कैप्चर करेगा। वो निकाला, लेकिन वो आदमी ऐसा निकला कि जो उसे कैप्चर तो कर लिया, वो अपने पर्पज के लिए कर लिया। जरनैल सिंह भिंडरांवाले अमृतसर के प्रभावशाली दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। राजनीति में उसके दखल के पीछे थे ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी। ज्ञानी जैल सिंह उस समय पंजाब के एक बड़े नेता हुआ करते थे। जैल सिंह ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को विश्वास में लिया और पंजाब में अकाली दल को पछाड़ने की अपनी योजना में भिंडरांवाले को मोहरा बनाया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के मुताबिक भिंडरांवाले का दिल्ली में बाकायदा इंटरव्यू हुआ था। इस बात का जिक्र नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस एंड ऑटोबायोग्राफी में किया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य जैल सिंह और दरबारा सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने मिलकर 2 सम्मानित व्यक्तियों का चुनाव किया और उन्हें संजय गांधी से मिलवाया।
पहला व्यक्ति संजय को कुछ खास नहीं जचा, लेकिन भिंडर वाले का अक्खड़पन और तीखे तेवर उन्हें बहुत पसंद आया। संजय को लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए वे बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। संजय के दोस्त और सांसद कमलनाथ ने मुझे यह बताते हुए कहा था, हम कभी कभी उन्हें पैसे भी देते रहते थे, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वो आतंकवाद की राह पर चल पड़ेंगे। जरनैल सिंह भिंडरांवाले के तेवर शुरू से ही तीखे थे। 13 अप्रैल 1978 निरंकारी और अमृतधारी सिखों के बीच हुई खूनी मुठभेड़ के बाद से ही वो चर्चा में आने लगा था। इस दिन 13 अमृतधारी सिख मारे गए थे। इसके बाद निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह के खिलाफ हरियाणा में मुकदमा चला, फिर उनकी रिहाई भी हो गई। इन बातों से कट्टर सिख नाराज हुए। निरंकारियों के साथ जो सिखों की पुरानी दुश्मनी थी उसको इसने वो अपनाया और इस मूवमेंट का उसने वो फिर वो उसको अगुवाई करने की कोशिश की। और जब भी इनकी झड़प होती थी, अमृतसर में हुई थी एक दिन, बैसाखी के एक दिन, ये साल नहीं मुझे याद है, और फिर जब पुलिस का एक्शन होता था तो पकड़ते थे भिंडरांवाले के आदमियों को। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु बना दिया। सिख परंपरा के मुताबिक उनके बाद कोई गुरु नहीं हो सकता, जबकि निरंकारी जीवित गुरुओं में आस्था रखते हैं। 1978 में बाबा गुरबचन सिंह निरंकारियों के प्रमुख थे। बैसाखी के दिन हुई खूनी झड़प के बाद 24 अप्रैल 1980 को उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के लिए नामजद ज्यादातर लोगों का ताल्लुक भिंडरांवाले से था। इन घटनाओं के बाद पत्रकार कुलदीप नैयर की मुलाकात भिंडरांवाले से हुई थी। ये आपके पास इतने लोग बंदूकें और स्टेन गन लेकर क्यों रहते हैं? पुलिस वाले हथियार लेके क्यों कुंदे ने? पुलिस तो सरकार ने रखी है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहो साढ़े नाल टक्कर लेके तो वेखण। भिंडरांवाले ने ठेठ पंजाबी में कहा कि कोई मुझसे टक्कर लेके तो देखे, उसे पता चल जाएगा कि सरकार किसकी है। उन्होंने पता लग जाओ सरकार की दिया। ये बात चल ही रही थी कि कांग्रेस के बड़े नेता और देश के रक्षा और विदेश मंत्री रह चुके स्वर्ण सिंह कमरे में आए। स्वर्ण सिंह जी, आप कुर्सी पर बैठिए। ओ जी, संता दे सामने मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, मैं इतने ठीक हूं। कुर्सी एक थी, मैं बैठा हुआ था, तो वो आके जमीन पर बैठ गए। तो मैंने कहा आप बैठे, मैं उठ रहा, मैं कह नहीं आप कुर्सी बैठ गए। कहते नहीं, संतान के प्रेजेंस में यही फर्श ही अच्छा है। स्वर्ण सिंह की गिनती तब देश के बड़े नेताओं में होती थी और उन्होंने भी भिंडरांवाले के सामने फर्श पर बैठना ही मुनासिब समझा। दरअसल कांग्रेस ने भिंडरांवाले को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाया। इसके पीछे ज्ञानी जी का इनिशियल हाथ था। वो मिसेस इंदिरा गांधी को एक उसने बताया था कि वो पंजाब पॉलिटिक्स में अकालियों को इरेलीवेंट कर देगा, तो उसमें वो हर तरह की गेम करता था। शुरू में ये उसकी ही एक क्रिएशन थी, जो कि संत भिंडरांवाला अकालियों को एक एसजीपीसी के छोटे चुनाव में वगैरह उसको सपोर्ट किया। तो ये एक, लेकिन ओवर ए पीरियड ऐसा समय है कि ही बिकेम लार्जर देन लाइफ एंड लार्जर देन ज्ञानी हिमसेल्फ। बीबीसी से जुड़े पत्रकार सतीश जैकब और मार्क टली ने मिलकर अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल नाम की किताब लिखी। इसमें कहा गया कि संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरांवाले के प्रचार प्रसार के लिए नई पार्टी बनवा दी। 1980 के चुनाव में भिंडरांवाले ने पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया, उसमें अमृतसर सीट भी शामिल थी। भिंडरांवाले और कांग्रेस के बीच उस वक्त क्या रिश्ता था, इसके बारे में खुद इंदिरा गांधी ने बीबीसी के पैनोरामा कार्यक्रम में संकेत दिए थे। What kind of relationship Congress share with Bhindranwala? मैं किसी भिंडरांवाले को नहीं जानती। हाँ, शायद वो चुनाव के दौरान हमारे किसी उम्मीदवार से मिलने आए थे, लेकिन मुझे उस उम्मीदवार का नाम याद नहीं। इंदिरा गांधी बीबीसी के कार्यक्रम में जिस चुनाव का जिक्र कर रही थी,
वो था 1980 का। इंदिरा गांधी की इन चुनावों में जबरदस्त वापसी हुई। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली। यानी जैल सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का गृह मंत्री बनाया। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ा। यानी जैल सिंह के राजनीतिक विरोधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी के साथ पंजाब में राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया। 1980 में अकाली दल सत्ता से बाहर हो गया, इसलिए अकाली दल अपने पुराने एजेंडा पे चले गया। वो एजेंडा जो 1973 में आनंदपुर साहब रेजोल्यूशंस में तय हुआ था। अब अकाली दल उन्हीं रेजोल्यूशंस को लेकर सरकार के ऊपर दबाव डालने लगा। अब उन रेजोल्यूशंस में था जैसे कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना, जैसे कि नदियों का पानी ज्यादा पंजाब को देना। अब ये बातें शुरू ही हुई थी कि बाकी देश के भागों की तरह पंजाब में भी सेंसस शुरू हो गया। पंजाब में सेंसस यानी जनगणना ने वहां की राजनीति को गर्म कर दिया। धर्म और भाषा को लेकर राजनीति होने लगी। पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर मुहिम चला दी। पंजाब में इन दिनों 1981 की जनगणना चल रही है। इसमें लोगों से उनकी मातृभाषा पूछी जा रही है। हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं, न कि पंजाबी। इन बातों से कट्टर सिख नाराज हुए। भिंडरांवाले उन्हीं में से एक था। हिंदू साडे नाल धोखा कर रहे हैं। पंजाब च रह के अपनी मां बोली हिंदी कहते हैं, पंजाबी नहीं। लाला जगत नारायण एडिटर थे और लगातार अपने लेखों में वो अटैक कर रहे थे कि किस तरीके से पंजाब सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। और ये भिंडरांवाले को वो मतलब उनकी आलोचना करते थे कि यह कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और ये डेंजरस है और ये सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। इसी बीच 9 सितंबर 1981 को एक बड़ी घटना हुई। सितंबर 1981, लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। भिंडरांवाले पर हत्या का आरोप लगा। हत्या के 4 दिन बाद पंजाब सरकार ने भिंडरांवाले के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। भिंडरांवाले उस समय हरियाणा के चंडो कला में था। सतीश जैकब ने उन घटनाओं की रिपोर्टिंग की थी। गिरफ्तारी नहीं किया गया हरियाणा में, उनको वहां से जाने दिया गया और एक सरकारी गाड़ी में उनको बैठा के वहां से रवाना किया गया था। और जिस तरीके से दोनों सरकारें ने ये किया और पंजाब में तो हमेशा कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ऐसा लगता था कि जानबूझकर भिंडरांवाले को एक ऐसी छवि दी जा रही है कि जिससे जनता के सामने ये मैसेज जाए कि ये बहुत ही पावरफुल आदमी है। तमाम उठा पटक के बीच लाला जगत नारायण की हत्या के 6 दिन बाद 15 सितंबर 1981 को भिंडरांवाले को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरु दर्शन प्रकाश से गिरफ्तार किया गया। भिंडरांवाले को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब देखिए इस गिरफ्तारी के बाद क्या क्या राजनीतिक खेल खेले गए। इंदिरा गांधी के करीबी पुपुल जयकर के अनुसार इंदिरा गांधी के इशारों से, इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से
भिंडरांवाले को सीधा जमानत पर रिहा कर दिया गया। और इससे भी अजीबोगरीब बात, हिंदुस्तान के गृह मंत्री यानी जयल सिंह ने संसद में उस रिहाई की घोषणा की और साथ साथ यह भी कह दिया कि भिंडरांवाले के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लाला जगत नारायण की हत्या में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। भिंडरांवाले की गिरफ्तारी पर राजनीति चल रही थी तो दूसरी तरफ पंजाब को अलग कर खालिस्तान देश बनाने की मांग भी होने लगी। पंजाब में खून खराबा बढ़ता जा रहा था। मामला संसद में उठा। सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने सरकार से सीधा सवाल पूछा। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि भिंडरांवाला को कांग्रेस और अकाली दल दोनों का संरक्षण मिल रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि भिंडरांवाला पिछले महीने लगातार 10 दिन तक अपने हथियारबंद साथियों के साथ घूमता रहा दिल्ली में। उसे किसने बुलाया? वो कौन है जिसने भिंडरांवाला के सारे कार्यक्रमों को प्रायोजित किया था? संसद और उसके बाहर उठ रहे सवालों का न तो कांग्रेस ने जवाब दिया और न ही अकाली दल ने। उधर भिंडरांवाले जमानत पर रिहा होने के बाद अपने बॉडीगार्ड के साथ दिल्ली से लेकर मुंबई तक बेखौफ घूम रहा था। शुरू में पैसा भी दिया जिससे उसने हथियार खरीदे और ये भी कि भाई दूसरे जैसे कि वो बॉम्बे गया था और बॉम्बे से सीधा अमृतसर आया, रास्ते में किसी ने उसको रोका नहीं। तो कांग्रेस अगर चाहती तो उसको कैद कर सकती थी, कोई पहले ही करना चाहिए था, फिर ये ब्लू स्टार ऑपरेशन ही ना होता। वो एक बार दिल्ली आए थे अपने समर्थकों के साथ और मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने पूरे दिल्ली का चक्कर लगाया था। कई ट्रकों में थे, भिंडरांवाले ऊपर बैठे हुए थे बिल्कुल ओपन में और पीछे सारी लॉरियां थी, वो पूरा चक्कर लगाया था। और फिर यहाँ पर एक सिख नेता थे जिनका देहांत हो गया था, संतोख सिंह। संतोख सिंह की जो एक शो सभा थी उसमें भिंडरांवाले ने शिरकत की थी और उसमें राजीव गांधी भी आए थे। भिंडरांवाले ने अपनी गिरफ्तारी को और अपनी गिरफ्तारी से ज्यादा अपनी रिहाई को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। उसने बड़ी शान से कहना शुरू किया कि इंदिरा गांधी सरकार ने जो उसके लिए एक महीने में किया है वो खुद सालों में नहीं हासिल कर सकता था, और ब्रिटेन और कनाडा और अमेरिका और जर्मनी के कुछ सिखों ने खालिस्तान की मांग को समर्थन दिया। पंजाब में भिंडरांवाले और उसके समर्थक अलग देश खालिस्तान की बात कर रहे थे। तभी दिल्ली में एशियाड खेलों की तैयारी जोरों पर थी। एशियाड खेलों का आयोजन 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में होना था। 30 साल बाद भारत में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था जहां 33 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले थे। एशियाड को सफल बनाने की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी पर थी। दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए थे। दिल्ली में राजीव गांधी की छत्रछाया में एशियाई खेल हो रहे थे। उधर भिंडरांवाले ने दिल्ली में इस दौरान विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी थी। गड़बड़ी की आशंका से दिल्ली हरियाणा सीमा सील कर दी गई। दिल्ली की तरफ आने वाले सिखों को शक की नजर से देखा जाने लगा। हरियाणा पुलिस के जवान पड़ताल के दौरान बदसुलूकी भी कर रहे थे। आम जनता ही नहीं अपमानित होने वालों में 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के हीरो एयर मार्शल अर्जन सिंह भी शामिल थे। किधर जा रहे? दिल्ली जा रहा हूं। डिक्की खोलो, सारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। ड्राइवर, एशियाड में होने वाली सिखों की रैली में भाग लेने तो नहीं जा रहे? देखिए, मैं एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह हूँ एयरफोर्स से, जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, प्रदर्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर भी ड्राइवर डिक्की खोलो। हवलदार,
देखो चेक करो। ठीक है ओके जाइए। कुछ ऐसे ही अपमान से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को भी गुजरना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों का सरेंडर करवाया था। खुद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने शक के आधार पर करीब 1,500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ज्यादतियों की वजह से पंजाब में जबरदस्त गुस्सा था। इस गुस्से का फायदा भिंडरांवाले ने उठाया। तुसीं देखिया किस तरह सिखां दे हरियाणा बॉर्डर ते अपमान किया गया। उहदे विच फौज दे पुराने अफसर भी। भिंडरांवाले ने कहना शुरू किया कि सिखों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानकर उनके साथ गंदा सलूक किया जा रहा है। देश के लिए कुर्बानी देने वाले सेना के अफसरों को भी नहीं छोड़ा गया है। जिथे सिखां नूं दूजे दर्जे दा नागरिक मन के घटिया सलूक किया जाता है, समझे? भिंडरांवाले के आगे सिखों के नरमपंथियों की आवाज कमजोर पड़ने लगी थी। कमजोर पड़ने वालों में हरचंद सिंह लोंगोवाल भी थे। पंजाब में सक्रिय अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल थे। भिंडरांवाले के बढ़ते हुए प्रभाव ने उनको किनारे कर दिया था। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई जिसने पंजाब में दहशत फैला दी। इस बार निशाने पर खुद पुलिस थी। पंजाब में तो टेररिज्म बढ़ता गया, हिंसा बढ़ती गई, मर्डर्स बढ़ते गए, और उनमें से एक मर्डर की बहुत चर्चा होती है। पंजाब के DIG AS अटवाल गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में अपना मत्था टेकने गए थे। मत्था टेक के बाहर निकले, गोल्डन टेम्पल से बाहर निकले, हाथ में प्रसाद था और गोलियां चली। AS अटवाल वहीं गिर गए और घंटों उनकी लाश गोल्डन टेम्पल के बाहर एक सड़क पर पड़ी रही, लेकिन किसी भी पुलिस को हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने अधिकारी की लाश अपने कब्जे में कर लें। कितना खौफ था भिंडरांवाले का। आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने खुद भिंडरांवाले को गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में फोन किया। हम दरबारा सिंह जी से मिलने गए थे। अवतार सिंह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो पुलिस का बड़ा सीनियर अफसर था, उसका मर्डर जो हुआ था वो गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों के ऊपर हुआ था और दिन में हुआ था। और जब वो लोग अंदर से आए थे जिनके पास बंदूकें थी, उन्होंने उसको गोली मारी और फिर वो अंदर चले गए थे गोल्डन टेम्पल में, और उसकी जो लाश थी वो बाहर पड़ी रही। कई घंटों तक लाश बाहर पड़ी रही और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको पुलिस वालों की कि उसकी लाश को वहाँ से ले जाते। तो उसके बाद भिंडरांवाले को टेलीफोन गया है। टेलीफोन दरअसल चीफ मिनिस्टर की तरफ से गया था। मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने कहा कि DIG अवतार सिंह की लाश 2 घंटे से पड़ी है। 2 घंटे हो गए उनकी लाश नो दरबार साहब दे बार पे है। जवाब में भिंडरांवाले ने कहा तो मैं क्या करूं। दरबारा सिंह को भिंडरांवाले से मिन्नत करनी पड़ी और कहना पड़ा कि अपने लोगों से कहें कि वो शव को ले जाने दें। कह दे अपने पुलिस वाले नु की लाश चक के ले जाओ। जी अटवार जो वापस जाने लगे थे उसके पीछे किसी ने गोली चलाकर उनके किसी ने गोली चलाकर उनको गोली चलाकर बाहर दरबार साहब से बाहर निकलने लगे, उसको सलाह कर दिया। और पुलिस इतनी डिमोरलाइज हो गई, उसकी लाश उठाने नहीं आया क्योंकि मेरा घंटा 1.5 घंटा को उठाने नहीं आया चाहिए थे वो। उसके बाद पुलिस इतनी डिमोरलाइज हो गई कि वो पुलिस वाले जो है भिंडरांवाले से और उनके जो श्रद्धालु हैं उनके जो हिटमैन हैं उनसे डरने लगे थे।
उसकी बगैर इजाजत के वहाँ से लाश भी नहीं रिमूव हुई थी। जब हमने दरबारा सिंह से ये पूछा तो दरबारा सिंह ने हमसे कहा कि आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आप होम मिनिस्टर से करिए जो दिल्ली में बैठे, क्योंकि उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गृह मंत्री का हाथ में है। लेकिन हमने उनसे कहा था कि आप तो चीफ मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर के भी तो अपने स्टेट के अंदर उसकी पावर होती है। तो उन्होंने उसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जैल सिंह पॉलिटिक्स कर रहा है टू अंडरमाइन कांग्रेस पार्टी, एंड उन्होंने कहा कि वो मेरे को भी अंडरमाइन कर रहा है। दरअसल पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह उन चुनिंदा लोगों में से थे जो भिंडरांवाले के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिम्मत रखते थे। डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की हत्या के बाद दरबारा सिंह ने इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर में पुलिस भेजने की सलाह दी। इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री जैल सिंह से सलाह मांगी, जैल सिंह ने पुलिस भेजने की सलाह नहीं दी और भिंडरांवाले के हौसले बुलंद हो गए। पंजाब में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे थे। हालात को काबू में करने के लिए इंदिरा गांधी ने बड़ा राजनीतिक फैसला किया। फैसला था गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाने का। That I will faithfully execute the office of President of India. ज्ञानी जैल सिंह को एक सिख को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया, हिंदुस्तान के तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया गया। सोचा कि शायद एक सिख को बनाएंगे तो पंजाब में उग्रवाद, पंजाब में टेररिज्म कम हो जाएगा, शायद खत्म ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति बनने के एक महीने बाद ही पंजाब में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की अगुवाई में अकाली दल ने गिरफ्तारी और मोर्चा लगाने का अभियान शुरू कर दिया। 2 महीने में 30,000 गिरफ्तारियां हुई। सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही थी। यह अहिंसक आंदोलन था जिसका मकसद आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को लागू करना था, लेकिन गिरफ्तारियां होती रही, इससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। इसी बीच 5 अक्टूबर 1983 को उग्रवादियों ने हिंसा की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। पंजाब के कपूरथला से जालंधर जा रही बस को सिख बंदूकधारियों ने देर रात रोका। बस में सवार यात्रियों में से हिंदुओं को चुन चुन कर बाहर निकाला गया और एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। इस तरह अपने परिवार की महिलाओं और बच्चों के सामने 6 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद ही पत्रकार तवलीन सिंह भिंडरांवाले से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मिली। आज मैं किसे तवलीन सिंह ने पूछा, मारने वाले सिख थे? जवाब में भिंडरांवाले ने कहा, उनसे मेरा क्या लेना देना? दरअसल मेरा क्या लेना देना। फिर जब घटना की निंदा के बारे में पूछा गया तो भिंडरांवाले ने कहा, मैं क्यों करूं निंदा, मैं निंदा करने वाला कौन होता हूँ? मैं कौन होना ऐसी निंदा करने वाला। इस घटना के अगले ही दिन यानी 6 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह सरकार को हटा दिया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसे इंदिरा गांधी की भारी गलती बताया गया। इससे भिंडरांवाले के खिलाफ सख्त लाइन लेने वाले एक बड़े नेता से केंद्र का सीधा नाता टूट गया। दरबारा सिंह को हटाने से हालात बदले नहीं। 1 महीने बाद अमृतसर से चंडीगढ़ जा रही बस पर भी हमला हुआ। हिंदुओं की पहचान की गई और परिवार वालों के बीच गोली मार दी गई। पंजाब में रात में बसों के चलने पर रोक लगा दी गई। हत्या और लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। लेकिन इंदिरा गांधी भिंडरांवाले के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही थी? वो समस्या को शायद समझ नहीं सके और सिखों की भावनाओं को भी नहीं समझ सके। बात यह है कि जिस समय पंजाब के अंदर उग्रवाद बढ़ रहा था और उग्रवादी स्वर्ण मंदिर का जो एरिया है उसके अंदर जमा हो रहे थे, वहाँ घातक हथियार इकट्ठे किए जा रहे थे, उस समय जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। उधर पंजाब में भिंडरांवाले की ताकत बढ़ती जा रही थी और इधर दिल्ली में
इंदिरा गांधी के सलाहकार उनसे कहते जा रहे थे कि वो भिंडरांवाले पर सख्ती ना करें, और उधर भिंडरांवाले और उनके समर्थक कलिशनिकोव और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर में भेज रहे थे। खबर आ रही थी कि दूध के बर्तन और अनाज की बोरियों में गोलियां और हथियार स्वर्ण मंदिर पहुंचा जा रहे थे। एक तरफ दिल्ली में असमंजस था, दूसरी तरफ भिंडरांवाले ने एक बड़ा कदम उठाया। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरांवाले ने अपने हथियार बंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था। अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन था जो अनंत काल के लिए बना हो। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। दिल्ली में मुगल दरबार की गद्दी से 1 फुट ऊंचा अकाल तख्त बनाया गया था ताकि बताया जा सके कि ईश्वर की जगह बादशाहों से ऊपर होती है। यहीं से सिख धर्म से जुड़े हुक्मनामे जारी होते रहे हैं, इसलिए अकाल तख्त का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही राजनीतिक महत्व भी है। भिंडरांवाले के अकाल तख्त पर कब्जे का विरोध गोल्डन टेंपल के प्रमुख ग्रंथी कृपाल सिंह ने किया, लेकिन भिंडरांवाले ने किसी की परवाह नहीं की। बैसाखी के दिन ये बात है 1984 की, सिर्फ 2-3 महीने पहले जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, तो वहाँ एक सरदार लीडर था, उसको भिंडरांवाले के लोगों ने दौड़ के अंदर उसका मर्डर किया। वो आगे दौड़ रहा था, वो पीछे से गोलियां मार रहे थे, और दिन दहाड़े ये दोपहर की बात है जब उसका मर्डर हुआ। अकाल तख्त से ही भिंडरांवाले ने इंदिरा गांधी को चेतावनी दी और दार्शनिक अंदाज में कहा कि हम तो माचिस की तीली की तरह हैं, ये लकड़ी से बनी है और ठंडी है, लेकिन आप उसे जलाएंगे तो लपटें निकलेंगी। बरस ही माचिस की तीली वांगा, लकड़ दिया ते ठंडी है, पर जे तुसी ओनु बालोंगे तो लपटा निकलेंगी। इंदिरा गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। 1984 का फरवरी महीना था, 10 महीने बाद ही देश में और पंजाब में चुनाव होने वाले थे, और इंदिरा गांधी के लिए समझौता करना एक राजनीतिक मजबूरी भी बनती जा रही थी। उधर अकाली भी समझ गए थे कि भिंडरांवाले का कद बहुत बढ़ गया है और वो उनके वजूद को ही कड़ी चुनौती दे सकता है। तब नरसिंह राव विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन्हें अकालियों से बातचीत करके समझौते की कमान सौंपी गई। नरसिंह राव ने बातचीत करके एक समझौते का फॉर्मूला निकाला। ये फॉर्मूला अकाली नेताओं को मंजूर था। इस फॉर्मूले में पंजाब को चंडीगढ़ शहर दिया जाएगा और हरियाणा को बदले में अबोहर शहर, और सरकार से इस फॉर्मूले की सिफारिश करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन एक और शर्त थी कि यह फॉर्मूला पहले हरचंद सिंह लौंगोवाल को और भिंडरांवाले को मंजूर होना चाहिए। नरसिंह राव को बातचीत में सफलता मिली और समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई। इसमें कहा गया कि एक आयोग बनाया जाएगा जो इस तरह की सिफारिश करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से शर्त यह थी कि समझौता तभी होगा जब अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लौंगोवाल और भिंडरांवाले इसके लिए राजी होंगे। हरचंद सिंह लौंगोवाल और भिंडरांवाले को राजी करने का काम गुरुचरण सिंह तोहड़ा और प्रकाश सिंह बादल का था। गुरुचरण सिंह तोहड़ा तब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे, सिख राजनीति के सबसे मजबूत नेताओं में उनकी गिनती होती थी। बादल और तोहड़ा इस प्रस्ताव को लेकर स्वर्ण मंदिर गए, वहां उन्हें संत हरचंद सिंह लौंगोवाल और भिंडरांवाले से मिलना था। संत हरचंद सिंह लौंगोवाल खुद भिंडरांवाले से त्रस्त थे, वो तैयार हो गए। अब भिंडरांवाले को तैयार करना बाकी था। देखो संत जतराज सिंह जी, तोहड़ा ने बताया कि सरकार ज्यादातर मांगे मान गई है। भिंडरांवाले को यह भी बताया गया कि एक कमीशन बिठाकर सरकार दूसरी मांगों को भी मान लेगी। सानू इस गल से सहमत हो जाना चाहिए। संत जरनैल सिंह जी, इस मामले में मेरी भी यही सलाह। बातचीत और समझौते की कोशिश बेकार गई। भिंडरांवाले किसी भी कीमत पर समझौते के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा और कोई समझौता नहीं हो सकता। साफ था भिंडरांवाले किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं था। धोखा कर रहे हो। ऐसी कोई धोखा नहीं।
है जे पंजाब दे ते सिखा दे हित लई है। किस दे हकले की है मैं सब जानना, तुहाडी अख सत्ता ते है, तुसी मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। विधे वाले जी, मैं तुहानू अकाल तख्त तों बाहर कढवा देवांगा। ते बात भी गल हैगी, भिंडरांवाले के अड़ियल रवैये ने रास्ते बंद कर दिए थे। इस घटना के एक हफ्ते बाद ही लोंगोवाल ने घोषणा कर दी कि 3 जून के बाद से गेहूं पंजाब के बाहर ले जाने नहीं दिया जाएगा। पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच के बढ़ते तनाव का असर देश के दूसरे राज्यों में होने लगा था। 19 फरवरी 1984 को हरियाणा के पानीपत और जगाधरी में 9 सिखों को मार दिया गया। 3 गुरुद्वारे भी तोड़े गए। सतीश जैकब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उस समय केंद्र सरकार ने दावा किया था कि उनके पास बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मारने की खुफिया रिपोर्ट भी आने लगी। भिंडरांवाले और उनके सहयोगी चाहते थे कि नरसंहार के बाद हिंदू पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं और देश के अलग अलग भागों में बसे सिख पंजाब में शरण लेने चले आए। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। अब इंदिरा गांधी को किसी फैसले पर पहुंचना ही था। उस वक्त वो कोई भी समझौता मानने को तैयार नहीं थे। भिंडरांवाले के साथ मेरी 3 घंटे तक अकेले बातचीत हुई थी और बिल्कुल ऊपर हम लोग छत पे अकेले बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप इतने बड़े देश की फौज से, इतनी बड़ी देश की ताकत से आप कैसे लोहा ले सकते हैं, आप कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि हमने सारा स्कीम बना दी है। स्कीम ये थी उनकी कि सिर्फ 10 किलोमीटर दूर आप खेतों में से जाइए पीछे, तो पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, उसका नाम है खालड़ा। और ये मुझे भिंडरांवाले ने बताया कि काके यहाँ से सानू सिर्फ 45 मिनट लगेंगे, 80 अपर टुक जाएंगे थे एक खेतों में, और खालड़ा उत्थे है, उत्थे जाके हमने जाके फिर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देनी। तो मैंने पूछा आप पाकिस्तान में जाओगे, कहता हाँ, कहता वो उन्होंने सही अंडरस्टैंडिंग है साढ़े नोट। एक जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया गया। सेना क्या कार्रवाई करेगी इसको लेकर चिंता थी। आखिरकार 2 जून 1984 की रात इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर आईं एक आखिरी अपील के साथ। देशवासियों, पंजाब में निर्दोष सिख और हिंदू मारे जा रहे हैं, अराजकता फैली हुई है, लूटपाट हो रही है, धार्मिक स्थल अपराधियों और हत्यारों के शरणगाह बन गए हैं। अगर अब भी किसी मुद्दे पर कोई गलतफहमी या संदेह है तो आइए हम बातचीत की मेज पर इसे हल करने की कोशिश करेंगे। इंदिरा गांधी ने आखिरकार स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला कर लिया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक तरफ इंदिरा गांधी ने बातचीत का न्योता दिया और दूसरी तरफ अमृतसर की सारी फोन लाइंस कट कर दी गई। पंजाब के नेता, चाहे वो चरमपंथी हो या नरमपंथी, वो बातचीत नहीं कर सकते थे। बहरहाल इंदिरा गांधी की अपील का असर होना नहीं था, हुआ भी नहीं। जब इंदिरा गांधी देश के नाम संदेश दे रही थी, उसी दौरान मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार की अगुवाई में सेना की नवी डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। भिंडरांवाले तब अकाल तख्त में ही था। जब दिल्ली में इंदिरा गांधी बड़े फैसले ले रही थी, तब भिंडरांवाले पत्रकारों से बातचीत कर रहा था। फौज अंदर पहुंच चुकी है, कि तुहानू लगदा कि फौज दरबार साहब अंदर प्रवेश कर पाएगी? नहीं, मैनू नहीं लगता कि फौज इतनी हिम्मत है। फौज भी इत्थे उसी तरह पई रहेगी
जिस तरफ बीएसएफ तो सीआरपी। वो तब भी समझ रहा था कि सेना कभी गोल्डन टेंपल के अंदर दाखिल नहीं होगी और अगर हुई तो जबरदस्त लड़ाई होगी। तो बचाने लिए थानू सरेंडर करना ही पड़ना। जे फौज ने अंदर आने की हिम्मत की तो उन्हें सबक सिखावांगे। तो यह सबक सिखाया जाएगा जिसनों जिंदगी पर याद रखेगी। तुम्हें पता है एक 6000 पेड़ों का शिकार करता है। भिंडरावाले के जवाबों से दो बातें तय थी। सेना के साथ मुकाबला करने के लिए वो तैयार था, यानी बहुत खून खराबा होने वाला था। जर्नलिस्ट भिंडरावाले से मिले थे, उनमें मैं भी था। और ये बात है, कोई दोपहर की बात है, तो ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भिंडरावाले ने दी थी और उसके शब्द मुझे याद है। उसने कहा था कि मुझे मालूम है कि अब आर्मी आ गई है, लेकिन मेरी यहाँ से लाश ही जाएगी, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता यहाँ से। एंड ही सेड कि आई एम गोइंग टू फाइट। तो वो लास्ट था, हमें ये अंदाजा नहीं था कि एक्शन इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। उधर सेना ने घेराबंदी के बाद अंदर रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा। ये अपील बार बार की गई। उस दिन ये वो 3 जून था, गुरु अर्जन देव जो सिखों के 5वें गुरु हैं उनका शहीदी गुरपुरब था। उस दिन तो गोल्डन टेंपल में रश था, जो पिलग्रिम है वो मत्था टेकने के लिए गुरपुरब मनाने के लिए बहुत आते हैं। तो बहुत दूसरे अकाली दल के जो वर्कर हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए थे, बहुत लोग थे अंदर। 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। उन्होंने बताया कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह 5:20 पर तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए टैंक लगाने होंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था। हिंदुस्तानी सेना भिंडरावाले और उनके साथियों को स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेंपल के अकाल तख्त से निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के बीच एक बहुत तल्ख मुलाकात हो रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करने से पहले यानी जैल सिंह की सलाह नहीं ली थी, उनको बताया तक नहीं था। और जब यानी जैल सिंह को मालूम पड़ा तो वो बहुत खफा हुआ। इतने बड़े फैसले की जानकारी मुझे पहले दी जाती तो अच्छा होता। सेना को कहा गया था कि दरबार साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी खुफिया एजेंसी पिछले 2 महीनों से क्या कर रही है, जबकि इतनी बड़ी तादाद में हथियार स्वर्ण मंदिर में ले जाए जा रहे थे। जब भिंडरावाले ने गुरु नानक निवास को छोड़ के अकाल तख्त को अपना ठिकाना बनाया, तब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये पंजाब सरकार का काम था, उन्हें नजर रखनी चाहिए थी। दुख बहुत था कि भाई गोल्डन टेंपल में गई फौज वगैरह, दुख था और उसका वो दुख प्रकट भी किया, लेकिन गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे। जैसे उन्होंने कहा उस रात जो उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया वो बहुत उनकी हिम्मत थी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए, तुम ये अगर तुम रिजाइन कर दो तो एक और रंजीत सिंह बन जाओगे। तो ज्ञानी जी खुद हर्ट हुए इसके मामले इसके बारे में, क्योंकि उसको इसके बारे में डार्क में रखा गया था इस ऑपरेशन के बारे में, तो उसको बड़ा इसमें दुख हुआ। ये सिख साइकी को इतना हर्ट किया। अब देखिए आप पंजाब को और सिखों से डील करना चाहते हैं पॉलिटिक्स को, और इसमें वहाँ के लोगों की डोमिनेंट कम्युनिटी की आपको सेंसिटिविटीज का नहीं अंदाज। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था इंदिरा गांधी का। मैं समझता हूँ कि इट इज़ डॉट वन ऑफ द
perhaps the darkest spot in Indian history, one of the darkest spots in the Indian history. कि इस तरह का blue star operation नहीं initiate करना, army operation को इतना avoid किया जा सकता। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य किताबों और दस्तावेजों की लाइब्रेरी में आग लग गई। आतंकवादियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में चली कई गोलियां हरमंदर साहब की ओर भी गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि बाद में सरकार ने अकाल तख्त को दोबारा बनवाने की पेशकश की, लेकिन सिख समुदाय ने सरकार के इस प्रस्ताव को नहीं माना। उन्होंने खुद ही अकाल तख्त को दोबारा बनवाया। बहरहाल स्वर्ण मंदिर में 6 जून को सुबह से शाम तक गोलीबारी चलती रही। आखिरकार देर रात भिंडरांवाले की लाश सेना को मिली और 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। अगले 3 दिनों तक छुपे हुए उग्रवादियों को खोजने का काम चलता रहा। इसी दौरान 8 जून को राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने यहां का दौरा किया। जब वो मंदिर के अंदर ही थे तभी उन्हें निशाना बनाकर आतंकवादियों ने गोली भी चलाई, जो उनकी सुरक्षा में लगे एक अधिकारी के कंधे पर लगी। लेफ्टिनेंट जनरल बरार के अनुसार ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 4 ऑफिसर शामिल थे। इसके अलावा 248 घायल हुए। मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 492 रही। हालांकि आज भी इस बात को लेकर बहस है कि आतंकवादियों के अलावा मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी, जो या तो पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई फायरिंग में मारे गए या किन्हीं और कारणों से उनकी जान गई। परिसर से भारी पैमाने पर हथियार बरामद किए गए, इसमें एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर भी थे। आर्मी ने एक तो भी उनको सफिशिएंट टाइम दिया बाहर निकलने के लिए। बार बार जो अनाउंस या अगर करते ना अनाउंसमेंट करते पब्लिक से एड्रेस सिस्टम पर और स्पीक पर करते भी आप बाहर निकलो। दूसरे कहते हैं भी वो कहीं डरते हुए निकले भी नहीं। तो बहुत से जो मैंने बताया भी एक गुरपुर था, एक अकाली दल के जो वर्कर थे वो सैकड़े सैकड़े हजारों की तादाद में गिरफ्तारी देने के लिए जो एजिटेशन मोर्चा चल रहा था देने के लिए आए हुए थे, वो सब मारे गए और बहुत इनोसेंट लोग मारे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इतना बड़ा फैसला और इंदिरा गांधी ने देश के राष्ट्रपति को, देश के तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर को ज्ञानी ज़ैल सिंह को ऑपरेशन ब्लू स्टार की भनक तक नहीं लगने दी। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने बार बार इंदिरा गांधी को यही सलाह दी कि पंजाब के टेररिज्म के मामले में, पंजाब के उग्रवाद के मामले में और खासतौर से भिंडरांवाले के मामले में वो कोई भी भड़काऊ कदम ना उठाएं, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह नहीं मानी। और फिर ज्ञानी ज़ैल सिंह ने साफ साफ कहा कि इंदिरा गांधी को उन पे भरोसा नहीं था। आखिर इंदिरा गांधी का उन ज़ैल सिंह पर से भरोसा क्यों उठा, जिन्हें खुद इंदिरा गांधी ने ही राष्ट्रपति बनाया था। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि इंदिरा गांधी पंजाब समस्या से जुड़ी तमाम बातें और यहां तक कि समझौते की गुप्त बातें तक ज्ञानी ज़ैल सिंह को बताती थी। लेकिन उन्हें इस तरह की खबरें मिली कि राष्ट्रपति भवन से कुछ लोग ये बातें लीक कर देते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के खत्म होने के बाद एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार के अफसरों ने लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे तमाम सिख गार्ड्स को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री के पास भेजा गया। कहिए, क्या बात है? मैडम, हम चाह रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी में लगे सिख गार्डों को हटा दिया जाए। क्यों? मैडम, आपकी जान को खतरा है। अलगाववादी भिंडरांवाले की मौत का बदला लेने की सरेआम धमकियां मिल रही है। आपको क्या लगता है भारत एक धर्म निरपेक्ष देश नहीं? मैं एक धर्म निरपेक्ष देश की प्रधानमंत्री हूं। सिख गार्ड्स को हटाना उनका अपमान होगा। जो जैसा चल रहा है
उसे वैसे ही चलने दीजिए। जी उपुल जयकर के अनुसार इंदिरा गांधी ने सिख गार्ड हटाने से मना कर दिया तो बीच का रास्ता निकाला गया। उनकी सुरक्षा में तैनात हर सिख गार्ड के साथ एक गैर सिख गार्ड को लगाने का फैसला हुआ, लेकिन इस फैसले पर कभी अमल नहीं किया गया। इन्हीं दिनों पुपुल ने बायोग्राफी लिखने का प्रस्ताव इंदिरा गांधी को दिया। इंदिरा इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। थर्टींथ अक्टूबर और 15th अक्टूबर की सुबह का टाइम पुपुल के लिए फिक्स कर दीजिए। चलो मैं। पुपुल मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मुझे लगता है मैंने अपने सारे कर्ज उतार दिए। पुपुल तुम कभी नवंबर के महीने में कश्मीर घाटी गई हो? जी हाँ, वहां गांधरबल जाकर चिनार के पेड़ों को देखना चाहिए। पता है पुपुल, मैं चिनार के पेड़ों के नीचे बैठना चाहती, बदलते हुए रंगों को महसूस करना चाहती, चिनार की पत्तियों को पकते हुए देखना चाहते और उन्हें पेड़ से अलग होते हुए देखना चाहते। पुपुल तुम्हें याद है वो बिजबिहारा का चिनार का पेड़? जी हाँ, मैंने सुना है उस पेड़ की मौत हो गई। हाँ, मैंने अपने बेटों से कहा है कि जब मैं मरूं ना तो मेरी राख को हिमालय पे बिखेर देना। आप मौत की बात क्यों करती हैं? क्या मौत एक सच्चाई नहीं है? अगले ही दिन इंदिरा गांधी राहुल और प्रियंका को लेकर श्रीनगर चली गई। वहां से लौटी तो उड़ीसा के चुनावी दौरे पर उन्हें जाना पड़ा। वहीं 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही मिल जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 3 महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे और आयरन लेडी मौत की बातें कर रही थी। आसपास के हालात देखकर क्या इंदिरा गांधी को यह एहसास हो रहा था कि उनका अंत एक बहुत हिंसा भरी दुर्घटना से होने वाला है? क्या इंदिरा गांधी को अपनी मौत की आहट सुनाई दे रही थी? उनके भाषण से, उनकी बातचीत से, उनके खतों से ऐसा ही कुछ लग रहा था। कहती थी, आई एम गोइंग टू डाई अ वायलेंट डेथ। 31 अक्टूबर को ऐसा ही हुआ। इंदिरा गांधी के अपने ही बॉडीगार्ड ने, उनके अपने ही सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको गोलियों से भर दिया। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई।
उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उनका उपचार शुरू कर दिया। क्या इंदिरा गांधी की मौत से पंजाब में उग्रवाद, पंजाब में टेररिज्म खत्म हो गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, भिंडरांवाले को मार दिया गया, लेकिन पंजाब में टेररिज्म नहीं खत्म, पंजाब में उग्रवाद चलता रहा और बढ़ा। तो शायद बंदूक की नोक से, शायद हिंसा से शांति की उम्मीद करना ही बेमानी है। ये बात तो तब भी सही थी और आज भी सही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में सिख विरोधी दंगे हुए। इसमें 2500 से ज्यादा सिख मारे गए। आनन फानन में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजीव गांधी, उन्होंने पंजाब समस्या के समाधान के लिए मॉडरेट नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल से समझौता किया, लेकिन उग्रवादियों ने लोंगोवाल की हत्या कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी पंजाब में उग्रवादियों को हवा दी, हथियार दिए गए और अलग खालिस्तान की मांग करने वालों की मदद की। पंजाब में लगातार 10 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उग्रवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल को उग्रवादियों से सख्ती से निपटने के आदेश और आजादी दी गई। पंजाब में काफी हद तक उग्रवाद पर काबू पा लिया गया। 1996 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की चंडीगढ़ सचिवालय में हत्या कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ, लेकिन पंजाब की इस समस्या का पूरी तरह से हल एक दशक बाद हुआ। उस दशक में पंजाब ने जो खोया, उस हिंसा के दौर में पंजाब ने जो खोया, उसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा?